डोमेस्टिक वर्कर्स यानी जो घर घरेलू काम करते हैं उनको डोमेस्टिक वर्कर्स बोला जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक हेड इज एन इंडिविजुअल एंगेज टू डू हाउस होल्ड वर्क फॉर कंपनसेशन इन कैश और काइंड, ठीक है। डोमेस्टिक हेड इज एन इंडिविजुअल एंगेज टू डू हाउस होल्ड वर्क फॉर कंपनसेशन इन कैश और काइंड। डोमेस्टिक वर्कर्स वो होते हैं जो एंगेज मतलब हमेशा उलझे रहते हैं घरेलू काम में, ठीक है। हमेशा मतलब घरेलू काम करते रहते हैं और उन्हें कंपनसेशन मिलता है इन कैश मतलब पैसों में या दया में। मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स स्पेशली इन अर्बन एरियाज एम्प्लॉय डोमेस्टिक हेल्प टू डू क्लीनिंग। मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स ज़्यादातर घरेलू जो होल्ड होते हैं घरेलू काम जो होते हैं स्पेशली इन अर्बन एरियाज में ज़्यादा होते हैं, शहरी क्षेत्रों में जो होते हैं वो एम्प्लॉय करते हैं यानी नियुक्त करते हैं डोमेस्टिक हेल्प टू डू क्लीनिंग, साफ सफाई करना, वॉशिंग धोना, कुकिंग, खाना बनाना, टेकिंग केयर ऑफ किंग एंड ऑल मेम्बर्स इन द फैमिली। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर विमेन। ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं घरेलू काम करने वाले जिन्हें आप बाई भी बोलते हैं उन्हें वो ज़्यादा वीमेन होते हैं। हाउ एवर ओकेशनली यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टू आर एंगेज। हाउ एवर ओकेशनली, ओकेशनली मतलब क्या होता है, कभी कभार यंग बॉयज़ और गर्ल्स को भी इसमें एंगेज कर दिया जाता है। द हाई प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन इन दिस प्रोफेशन इकोज एन एस्टेब्लिश्ड आउटलुक दैट हाउस होल्ड चोर्स आर ए वुमन्स जॉब। ये डोमेस्टिक वर्कर का पिक्चर दिया गया है। शी इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर एंड शी इज वाइपिंग आउट द डस्ट फ्रॉम दिस टेबल, है ना। और ये उनके मतलब मालिक हैं घर के जो ये डोमेस्टिक वर्कर को रखे हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वर्क इज़ एन इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स। डोमेस्टिक वर्क इज एन इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी, एक ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर है जो प्रोवाइड करता है रोजगार अपॉर्चुनिटीज टू लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स मतलब क्या होता है, प्रवासी, ठीक है, जो बाहर से आ जाते हैं। जैसे कि प्रवासी किसी कमाने खाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें माइग्रेंट्स बोला जाता है। द सैलरी इज़ वेरी लो, सैलरी जो है बहुत कम रहता है, बट दे हैव टू डू ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन उनको बहुत कठिन काम करना पड़ता है। स्पाइट ऑफ द हार्ड वर्क दे पुट इन द एम्प्लॉयर्स डू नॉट डिस्प्ले मच रिस्पेक्ट और रिगार्ड फॉर द डोमेस्टिक वर्कर्स। इतने कठिन काम करने के बाद भी उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं नियोक्ता वो इनको रिस्पेक्ट नहीं देते, है ना, इनके घरेलू काम के लिए। वन सच अ वुमन हु इज़ ए डोमेस्टिक हु इज़ ए डोमेस्टिक वर्कर इज सुशीला, है ना। लेट्स रीड अबाउट हर स्टोरी। दिस इज अबाउट सुशीला, अ माइग्रेंट फ्रॉम बिहार, जो बिहार से प्रवासी हैं, माइग्रेंट हैड टू से अबाउट वर्किंग एज ए डोमेस्टिक हेल्प इन दिल्ली। वो बोल रही हैं कि उन्हें घरेलू काम करने के लिए दिल्ली में रखा गया है ना, वर्किंग एज ए, वो घरेलू काम कर रही हैं दिल्ली में। आई यूज टू वर्क एज ए फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प, मैं फुल टाइम डोमेस्टिक कार्य करती हूँ इन ए डबल स्टोरीड हाउस इन ए पॉश लोकेलिटी। पॉश लोकेलिटी मतलब क्या होता है, पॉश इलाका, जिससे मतलब जो ज़्यादातर रईस लोग बसते हैं उन्हें बोला जाता है पॉश इलाका। डबल स्टोरीड हाउस मतलब डबल मंजिल वाला, ठीक है। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग, मैं क्लीनिंग के लिए उत्तरदायी हूँ, उत्तरदायी थी। आई वॉज देयर वॉज ए कुक एंड पार्ट हेल्प वॉश्ड क्लोथ्स। वहाँ पर एक कुक होता है, ठीक है, यानी जो खाना बनाता है जिसे हम बोलते हैं रसोइया, कुक, एंड ए पार्ट टाइम हेल्प वॉश्ड क्लोथ्स, और एक पार्ट टाइम हेल्पर है जो वॉश क्लोथ्स को वॉश करता है। माई डे बिगेन एट 6 AM इन द मॉर्निंग इवन दो दे वर सो एफ्लुएंट। मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरुआत होता है मॉर्निंग में, इवन दो दे वर सो एफ्लुएंट। येट द लेडी ऑफ द हाउस वॉज स्टिंगी एंड मीन।
ठीक है, शी केप्ट स्ट्रिक्ट वॉच ऑन हाउ मच वी ईट एंड वी वुड नॉट इवन लेट अस रेस्ट फॉर अ मिनट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, जो मालिक होते हैं वो ये भी देखते हैं कि हम कितना खा रहे हैं, ये डोमेस्टिक वर्कर बोल रही है ना। शी इज टेलिंग हर स्टोरी दैट हर एम्प्लॉयर्स वॉच एवरी टाइम दैट वॉट दे ईट एंड एट वॉट अमाउंट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब वही है, वुड नॉट इवन लेट अस रेस्ट फॉर अ मिनट ड्यूरिंग द डे, और 1 मिनट के लिए भी आराम करने के लिए नहीं देती। इफ शी फाउंड अस टॉकिंग, अगर वो हमको बातें करते हुए देख लेती है या पकड़ लेती है, शी वुड स्टार्ट शाउटिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग अस, वो फिर चिल्लाना शुरू कर देती। और ह्यूमिलिएटिंग यानी एक एक हिसाब से होता है घृणात्मक व्यवहार रवैया करना। ठीक है, इफ वी फेल सिक, अगर हम जब बीमार पड़ जाते हैं, इफ वी फेल सिक, हम जब बीमार पड़ जाते हैं, शी वुड प्रॉम्प्टली डिडक्ट आर सैलरी ऑन द एक्सक्यूज दैट शी वॉज गिविंग फ्री फूड। वुड प्रॉम्प्टली डिडक्ट मतलब तेजी से उनकी सैलरी को घटा दिया जाता है, ऑन ऑन द एक्सक्यूज, और यू कैन से ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री फूड। ठीक है, मतलब हम आपको फ्री में खाना भी दे रहे हैं तो हम आपको सैलरी बराबर कैसे देंगे, ऐसा उनका कहना रहता है ना, जब वो बीमार पड़ जाते हैं और इस हिसाब से उनकी सैलरी को काट दिया जाता है। एंड बोर द एंटायर बर्डन ऑफ मेडिकेशन, इवन दो वी टॉयल्ड द होल डे, शी डिस्प्लेड द एटीट्यूड दैट शी वॉज गिविंग अस अ बिग फैट सैलरी फॉर नो वर्क। इतना करने के बावजूद भी जब वो पैसे देते हैं तो ये कह के देते हैं कि आपने तो कुछ काम किया ही नहीं है, फिर भी हम आपको सैलरी दे रहे हैं, है ना। सो दिस इज अ वे ऑफ इंसल्टिंग सम वन, है ना, सम वंस वर्क। वी शुड नॉट डू सच एक्ट, वी शुड नॉट डू सच एक्ट, ओके। शी जस्ट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर एंड हार्ड वर्क। उनके पास कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहता किसी मैनुअल लेबर के लिए, मतलब मजदूर के लिए और कठिन परिश्रम करने वालों के लिए।